अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वक्कार अली हैदर। अली भाई जान। वाली भाई, क्या हाल है आज? यार हम ये एक वीडियो देखेंगे, दोस्त ने हमें शेयर किया था, वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल कश्मीर वैली। कश्मीर दोनों तरफ का बहुत अच्छा है, इंडिया और पाकिस्तान का एकदम से बढ़िया है। ना हमने इंडिया वाला कश्मीर देखा है, ना हमने पाकिस्तान वाला। ये बात हमने ठीक से कही, कोई भी नहीं देखा कश्मीर भाई। हम पाकिस्तानी, ना आजाद कश्मीर ना जम्मू कश्मीर, हमने कोई भी नहीं देखा। इन दोनों के हमने नाम सुने हुए, जम्मू और आजाद। हाँ, बस बाकी हम गए नहीं हुए बस। बाकी हाँ, आज हम जो वीडियो है ना ये देखेंगे, उसके बाद ये खूबसूरती हमें अभी भी दिखाई दे रही है भाई लोगों में। क्या बात है यार, देखो कैसे बर्फबारी हो रही है यार, ठंडी ठंड। चलो दोस्तों प्ले करते हैं यार। मैं कहता हूँ इस ट्रेन में यार हमें एक बार चलना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम हैं फिलहाल बनिहाल में और आज का जो ट्रेन सफर है, आज मेरे साथ आप देखने वाले हो लाइव स्नोफॉल के साथ। कैसा लग रहा है? बाकी यार लाइव स्नोफॉल हो रही है, कमाल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपको इस जर्नी में बहुत मजा आएगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जो नजारे है ना, ये रोज रोज नहीं होते हैं भाई। ये है अपना कश्मीर, वेलकम टू कश्मीर। लाइव स्नोफॉल यार, लिटरली मजा आ रहा है। पूरा भीग चुके हैं, वो बात अलग है। बाकी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे यहाँ तक पहुंचे, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, आपको मैं एक कमाल की जर्नी में लेकर के चलने वाला हूँ। फाइनली आज इंतजार की वो घड़ी खत्म हुई। आप लोग इतने दिन से कहते सत्य भाई स्नो वाली ट्रेन दिखाओ, तो आज वो मौका है। श्रीनगर रेलवे स्टेशन सजा हुआ है बर्फ से और आज हम लोग यात्रा करेंगे अपनी स्नो वाली यात्रा। सामने ट्रेन अपनी जल्दी चलते हैं, बोर्ड करते हैं। तो भाई इस ट्रेन को बोर्ड करने का इंतजार हमें काफी लंबे समय से था भाई। ठंड भी बहुत हो रही है यार। हर एक रेल लवर के लिए या एक ट्रैवल ब्लॉगर के लिए ये एक ड्रीम जर्नी होती है जिसे आज आप लोग मेरे साथ एक्सपीरियंस करने वाले। भाई देख लो, श्रीनगर से शुरुआत ही इतनी कावर चढ़ी हुई है, तो आगे अपने को कितनी बर्फ मिलने वाली है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हो। के बीच में अपनी जो जर्नी है वो चल रही है और गाड़ी का जो इंटीरियर है कुछ ऐसा बना होता है, मतलब एक लोकल ट्रेन से किराया भी आपको बहुत कम पड़ता है। अंदर इसमें हीटर्स चलते हैं क्योंकि स्नो के बीच में गाड़ी चलती है तो ठंड बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इसका इंटीरियर आप लोग देख लो, काफी कमाल का है यार। और दोनों तरफ स्नो है, वहां से शुरुआत ऐसी है तो आगे कितनी एक्साइटमेंट होने वाली है जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये लेवल अब धीरे धीरे बढ़ने वाला है। आप लोग भी कश्मीर वगैरह घूमना चाहते हो तो महाराजा होल्डर्स से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टेक्ट नंबर। काफी कमाल के पैकेजेस आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगे और आप भी ऐसे ही कश्मीर एंजॉय कर सकते हो। Thank you.
वैसे मैं आप लोग से एक चीज बोलना चाहूंगा, हम लोग भी बहुत ट्रैवल करते हैं और ऐसे शॉपिंग वगैरह भी हमें बहुत करनी पड़ती है। कालिंग जब मैंने ग्लव्स और जैकेट वगैरह खरीदा तो मैंने उसे कैश करे के थ्रू अमेजोन से खरीदा, तो मुझे अच्छा खासा कैशबैक मिला। आप लोग को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, वैसे भी रिपब्लिक डे सेल जो है वो शुरू हो चुकी है कैश करो में, जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो। अगर डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक से डाउनलोड करते हो ना तो आपको 25 रुपीज का बोनस मिलेगा, और अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो मेरे कूपन कोड इंडियन 25 यूज करोगे तो भी 25 रुपीज का आपको वहां पे बोनस मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि जो कैशबैक है ना, एक रियल मनी से आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। रिपब्लिक डे सेल भी शुरू हो चुकी है, यही मौका है अपनी विश लिस्ट को पूरी करने का। क्या सिंपली आपको अपने कैशबैक अकाउंट को खोलना है, वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी शॉपिंग की, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसी आपको जो भी वेबसाइट पसंद है उस पर क्लिक करो, ऑरेंज बटन पर क्लिक करो, आपको रिडायरेक्ट कर देगा शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर जिस पे आप शॉपिंग करना चाहते हो। सिंपली जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हो वैसे के वैसे ही शॉपिंग करो, और भाई जब आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा आप माय एनी सेक्शन में अपने कैशबैक को देख सकते हो, है ना कमाल की बात। कमाल की बात है भाई, सब चीजें आप बता रहे हो घूमने के साथ। सामने वाली ट्रेन की छत में देखो आप, बर्फ जमी हुई, मतलब आगे स्नोफॉल हो रहा है अभी भी। वाओ यार, धीरे धीरे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता ही जा रहा है सूट पे। ये दोस्त फुल एंजॉय कर रहा है यार। जो एक्सपेक्ट किया था ना वही हो रहा है, और यहाँ देख लो आप लोग स्नोफॉल, वाओ मजा आ गया। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंची है बिजी बिहारा, और ये फेमस है अपने खटाई बिस्किट के लिए, बड़े वाले जो बिस्किट होते हैं ना, अपने नान खटाई छोटी होती है, यहाँ बड़े वाले बिस्किट होते हैं। बाकी लोकेशन देख लो, चला भी जाए क्योंकि जो अपना सिग्नल है वो उसका है। घर बैठे कश्मीर घूम रहे हैं, देखो भाई किस्मत हमारी, लोग पैसे देकर घूमते हम वैसे ही देख रहे हैं। ये खतरे वाली जगह थी, बाहर निकला हुआ था कनाडा वाली फीलिंग आ रही है। आप यहाँ हमारा टिकट देख लो, 6 आदमी का 270 रुपीज, यानी पर हेड हमें 45 रुपीज की आज टिकट पड़ी है, और 45 रुपीज में इतने कमाल के मजे आपको शायद ही इंडिया की कोई ट्रेन देती हो, या कोई ना कोई अम्यूजमेंट पार्क भी आपको इतने सस्ते में मजे नहीं देगा भाई। चलिए पहुंच रहे हैं हम लोग यहाँ पे अनंतनाग रेलवे स्टेशन, और भाई स्नो का लेवल देख लो, प्लेटफॉर्म में भी भरी हुई है और अच्छी खासी ठंड है यार, मजा आ गया। मतलब इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे, और आज ये जो विश हमारे इतने दिनों की आज जा करके पूरी हुई। और भी घुमाओ, अगर बात की जाए श्रीनगर के बाद किसी सबसे बड़े शहर की तो अनंतनाग है, जहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर बाकी सभी फैसिलिटीज मिल जाएगी, और यहाँ पे स्टेशन में भी आपको देखो क्या हर भर के मतलब देखने को मिल रही है यार, मजा आ गया। तो बाकी यहाँ की केसर भी बहुत फेमस है, मतलब यही तो उगती मेन बात ये है। दाने दाने केसर, देखो आप लोग क्या बर्फ पड़ी हुई है, क्या सुंदर लग रहा है अनंतनाग। अब जैसे जैसे बनिहाल पहुंच जाएंगे ना, ये बर्फ का लेवल भी बढ़ता जाएगा और ठंड भी, और इस डोर को पकड़ने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए वो मैं ही जानता हूँ बिना ग्लव्स के। भाई में मजा बहुत आ रहा है भाई इस ट्रेन में, कभी आप लोग को मौका मिले तो जरूर ट्रेवल करो श्रीनगर से बनिहाल के बीच में, रोड बहुत ही कमाल का सफर है ये, थोड़ा सा अभी एंड होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा भाई 45 रुपीज में जो जर्नी हो रही है ये आपको कैसी लगी? यार 45 रुपीज में तो आज की तारीख में क्या जो है स्नैक्स भी नहीं मिलता है, और हाँ मैं जरूर कहूंगी कि आपको 30 रुपीज से 65 रुपीज तक की जर्नी इस तरीके की स्नो पैक नहीं मिल सकती, वो भी गर्मा गर्म ट्रेन है। Absolutely, in the world, anywhere in the world, I can challenge that. गुनगुने मौसम, और ट्रेन ऐसी कि ना लेट होती है ना कुछ, और फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया। हमारे साथ रेलगन कोर्स वाले संदीप भाई एंड एक्सट्रीम रोड्स वाली वैशाली मैम, थैंक्स अ लॉट। हमारे साथ ट्रेन जर्नीज के लिए एक्सट्रीम रेल्स वाली वैशाली मैम है,
थैंक्स अ लॉट मैम हमें अपने साथ इस सफर में ले चलने के लिए, मतलब बोरिंग हो जाता वरना ये सफर, आप लोग साथ हो तो और एंटरटेनिंग लग रहा है। वाह भाई वाह, कश्मीर ने तो बाबा दिल हमारा जीत लिया, मजा आ गया। ये जो ट्रेन में घूम रहा था ना उसने तो बड़ी हमारे दिल को खुश कर दिया। मगर इसको भाई साहब को मैं बोलता इस मौसम में गोलगप्पे खाने का मजा ही कुछ और था। गर्मा गर्म समोसे चाट वगैरह सब चीज होती ना और मजा आ जाता। लेकिन फिर भी यार 45 रुपए में ये सफर करना, वो भी स्नो वाल, और क्या चाहिए 45 रुपए में। यहाँ पर चिप्स नहीं मिलती हमारे पास, हाँ ही बात है। बाकी ये तो भाई ट्रेन की टिकट है 45 रुपए की जर्नी। साहब भी भाई चैलेंज कर रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में, कोई भी नहीं होगा जो 45 रुपए में इतने अच्छी व्यू हमें दिखाए। बिल्कुल, लेकिन तब भी मैं कहूँ हमारे यहाँ कश्मीर कश्मीर क्यों करते हैं, ऐसे नजारे ऐसी जन्नत जैसी नगरी होगी तो भाई कश्मीर कौन नहीं लेना चाहेगा। मजा आ गया, मजा आ गया। इसमें होते ना आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जरूर बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।